तो कैसे हो सभी दोस्तों। अभी मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि जब से तरुण गिल जी ने वीडियो डाला है वायग्रा खा के जिम प्री वर्कआउट में वायग्रा, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने उस पर रिएक्शन दिया है, काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं और काफ़ी उन्हें रोस्ट भी कर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो ना कोई रोस्ट होगी, ओनली ऑन ओनली बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड ट्रू फैक्ट्स होगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास एक वायग्रा की गोली है और मैं जिम जा रहा हूँ, मेरा जिम का टाइम हो चुका है। तो आज मैं प्री वर्कआउट में इसे लेके जाऊँगा और देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, कैसा मेरा वर्कआउट जाता है, कैसे मुझे पंप आता है, और वो सब चीज़ें मैं आपके सामने बिल्कुल होनेस्टली एकदम रो अनकट बताऊँगा और कोई भी इसमें फेक नहीं होगा, आपको मैं सब बताऊँगा। तो बस, तो अभी मैं ये वायग्रा गोली लेके जिम में जाता हूँ। तो देखते हैं इसका क्या असर होता है, कितनी देर में ये असर करती है। तो अभी मिलते हैं वर्कआउट के बाद और आपको आज बिल्कुल रियल होनेस्ट ट्रू कंटेंट दूंगा। और बाकी और भी कंटेंट के लिए प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। मैं बस चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो कैसे हो भाई लोग, मैं बस अभी जिम करके आ चुका हूँ और मुझे वीडियो जिम में बनाना था लेकिन मैं वहाँ पे बना नहीं पाया क्योंकि थोड़ी लाइट चली गई थी और लाइटिंग की प्रॉब्लम थी। तो आप सब देख ही चुके होंगे कि पंप कैसा है। मैंने आज बाइसेप का वर्कआउट किया था तो वो तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने बीच में क्लिप्स डाली हैं कि कैसा बाइसेप का वर्कआउट पंप आया है। और अब तो खैर चला गया थोड़ा, लेकिन उस वक्त अच्छा आया था। तो आज क्या वर्कआउट के बाद अगर मेरे होनेस्ट रिव्यू, मेरे होनेस्ट थॉट्स हैं अबाउट यूजिंग वायग्रा इन एज ए प्री वर्कआउट, तो उसमें मैं आप लोगों को सच बताना चाहूँगा जो मेरे साथ आज हुआ है कि हाँ पंप अच्छा आया है, एक्सरसाइज अच्छी हुई है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जिस तरह से पसीना आज आया था उस तरह से पहले नहीं आया। और ये सब चीज़ें आप लोग सिर्फ YouTube पे देख के या कोई बोल दे कहीं से सुन के कभी ट्राई करने की कोशिश मत करना, मैं आपको फाइनल यही कहना चाहूँगा। क्योंकि कहते हैं ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर देती है, तो ये जिस चीज़ के लिए बनी है उसी चीज़ में इसे यूज करने देते हैं। हम इसको ऐसे किसी भी फालतू ऐरे गैरे चीज़ों में यूज़ नहीं करते कि प्री वर्कआउट के लिए ले लिया, एक्सरसाइज करने से पहले ले लिया, रनिंग करने से पहले ले लिया, ये सब चीज़ें नहीं होती। अभी जूते हैं तो हम उनको जूते को पैर में ही पहनेंगे, हाथ में तो नहीं पहनेंगे ना, तो वही बात है। और रही बात तरुण गिल जी की, तो वो हमसे बड़े हैं, नॉलेज भी ज़्यादा है और एक प्रोफेशनल वे में, जब तक आप एक फिटनेस के वे में जिम कर रहे हो और फिर एक आता है प्रोफेशनल वे में जिम करना, तो काफ़ी फ़र्क है। तो प्रोफेशनल्स तो काफ़ी चीज़ें करते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक स्टेरॉइड्स हो गए, या उनका तो बहुत ही अलग लेवल का होता है, वो लोग तो वीड भी पीते हैं। तो वैसा तो नहीं कि हम सभी वीड पीने लग जाएं, तो वो एक प्रोफेशनल लेवल में है और अंदर वेल प्रिस्क्रिप्शन है, वो उनके कोच हैं, उनके डॉक्टर्स हैं। तो हम लोग ऐसे किसी को फॉलो नहीं कर सकते, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को फाइनली बस यही बताना चाहूँगा कि एज ए प्री वर्कआउट वायग्रा इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वी कैन नॉट टेक इट इन नॉर्मल लाइफ अनलेस यू आर प्रोफेशनल एंड यू आर अंडर ए वेल कोच एंड ए वेल डॉक्टर। थैंक यू, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट।
थैंक यू सो मच, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।